हाय डियर फ्रेंड, आज हम सभी स्टार्ट करने वाले सर्वेइंग का ये नया चैप्टर है लेवलिंग एंड कंटूरिंग। और लेवलिंग एंड कंटूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो अगर सबसे पहले अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर पहले वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें और प्लस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर भी करें कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आगे चलिए, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले है उसके डेफिनेशंस, ठीक है, उसके डेफिनेशंस, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट ऑफ लेवलिंग क्या है। तो पहला डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशंस लिखा हुआ है, लेवलिंग इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट, एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन और एबो और बिलो द सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एबो और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसका डेफिनेशन हो गया लेवलिंग का। लेवलिंग का डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन एबो और बिलो द सरफेस। इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं। आगे पॉइंट देख लेते हैं, उसके प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल्स के बारे में देख लेते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग इज़ टू ऑब्टेन हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट। इसका प्रिंसिपल क्या है कि हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट विथ रेस्पेक्ट टू विच वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एबो और बिलो दिस लाइन ऑफ साइट आर फाउंड। इसका मतलब कि जो हमें पता है उसका रेफरेंस लेके दूसरे रिलेटिव का हाइट हम फाइंड आउट करने हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट की हेल्प से हम उसकी जो सरफेस के ऊपर है पॉइंट उसकी लाइन ऑफ साइट से हम उसका डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल था। दूसरा कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवलिंग। तो पहला ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको बता दूँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइंड द एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम अज्यूम्ड रेफरेंस लाइन कॉल्ड डेटम। मतलब कोई रेफरेंस पॉइंट दिया हो और उसका रेफरेंस लेके मुझे दूसरे किसी एलिवेटेड पॉइंट का आर एल फाइंड आउट करना हो, तो ये इसका एक एम है। दूसरा, एस्टेब्लिश पॉइंट और रिक्वायर्ड एलिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू डेटम। मतलब कोई पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए एलिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू डेटम, डेटम का रेस्पेक्ट लेके कोई एलिवेटेड पॉइंट का मुझे फिक्स करना है, एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए भी ये सर्वेइंग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से दूसरे पॉइंट का अगर फाइंड आउट करना है कि उसका लेवल कितना है तो इसका हेल्प किया जाता है। अभी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का डेफिनेशन देख सकते हैं कि यूजिंग डेफिनेशन यूज इन लेवलिंग, कि कौन कौन से डेफिनेशन हैं जो लेवलिंग में यूज किए जाते हैं। तो वो है लेवल सरफेस। तो लेवल सरफेस क्या होता है, इट इज़ द सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का जो स्फेरॉइडल सरफेस है उसका मीन के पैरेलल जो सरफेस होता है उसको लेवल सरफेस बोला जाता है। लेवल लाइन क्या होता है, लाइन लाइंग ऑन लेवल सरफेस। मतलब जो भी लाइन है उसके ऊपर जो लाइन ड्रॉ किया जाता है वो होता है लेवल लाइन। हॉरिजेंटल प्लेन क्या होता है, हॉरिजेंटल प्लेन थ्रू अ पॉइंट इज अ प्लेन टेंजेंशियल टू लेवल सरफेस। लेवल सरफेस के ये टेंजेंशियल प्लेन जो होता है उस पॉइंट जो हॉरिजेंटल प्लेन थ्रू अ पॉइंट इज अ प्लेन टेंजेंशियल टू लेवल सरफेस। लेवल सरफेस के टेंजेंशियल प्लेन मतलब वर्टिकल प्लेन से जो पॉइंट हम मेजरमेंट करते हैं वो हॉरिजेंटल प्लेन होता है। हॉरिजेंटल लाइन इट इज ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू लेवल लाइन। टेंजेंशियल मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होता है टेंजेंशियल टू लेवल लाइन, लेवल लाइन के अकॉर्डिंग। डेटम आपको पता ही है कि इट इज एन आर्बिट्री लेवल सरफेस फ्रॉम विच एलिवेशन ऑफ पॉइंट में बी रेफर्ड। जिस पॉइंट का रेफरेंस लिया जाता है उस पॉइंट को डेटम बोला जाता है। इन इंडिया मीन सी लेवल इज कंसिडर एज ए डेटम ऑफ जीरो एलिवेशन, इट इज सिचुएटेड एट कराची। कि पहले ये लिया जाता था कराची से, ये डेटम कंसिडर किया जाता था इंडिया का मीन सी लेवल से, लेकिन अभी जो कंसिडर किया जाता है वो मुंबई से लिया जाता है। तो मीन सी लेवल इज द एवरेज हाइट ऑफ सी फ्रॉम ऑल स्टेटेज ऑफ टाइड, इट इज डिराइव बाई एवरेजिंग द आवरली टाइड हाइट ओवर ए पीरियड ऑफ 19 ईयर्स।
एलिवेशन ऑफ रिड्यूस्ड लिवर देख सकते हैं, इट इज हाइट और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट एबो और बिलो एनी डाटम, इट इज डिनोटेड एज ए RL, RL से डिनोट करते हैं। बेंचमार्क क्या होता है, BM से इंडिकेट करते हैं, इट इज ए फिक्स रेफरेंस पॉइंट ऑफ नोन एज ए एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू डाटम, डाटम के रिस्पेक्ट लेके और जो पॉइंट फिक्स किया जाता है वो पॉइंट को बेंचमार्क बोला जाता है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, इट इज ए लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्टिंग ऑफ क्रॉस हेयर, जो क्रॉस हेयर होता है डायफ्राम का उसकी इंटरसेक्टिंग लाइन को ही बोला जाता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड इट्स कंटिन्यूएशन, इट इज ऑल्सो नोन एज ए लाइन ऑफ साइट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द वन ऑफ मेथड, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है जिससे हम जो भी रीडिंग नोट डाउन किए रहते हैं वो करते हैं। लेकिन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इट इज एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन विथ रिस्पेक्ट टू डॉटम। बैक साइड क्या होता है, इट इज स्टाफ रीडिंग टेकन एज नोन एज एलिवेशन, इट इज द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग, ये क्या होता है, फर्स्ट स्टाफ रीडिंग होती है टेकन आफ्टर सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के बाद जो पहली रीडिंग ली जाती है वो होती है बैक साइटिंग होती है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। फोर साइटिंग क्या होती है कि इट इज़ द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन डिनोटिंग द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से पहले जो लास्ट रीडिंग ली जाती है उस रीडिंग को ही बोला जाता है फोर साइटिंग। और इंटरमीडिएट साइटिंग क्या होती है कि जो बैक साइटिंग लिया फोर साइटिंग लिया उसके बीच की जितनी भी रीडिंग ली जाती है वो इंटरमीडिएट साइट होती है, ठीक है, FBS और FS के बीच में जितने भी स्टाफ की रीडिंग नोट डाउन की जाती है वो IS होता है, इंटरमीडिएट साइट होता है। चेंजिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन विच बोथ फोर एंड बैक बेयरिंग साइट आर टेकन, जहाँ पे फोर बेयरिंग ऐसे पॉइंट जहाँ पे आपको फोर और फोर साइटिंग और बैक साइटिंग दोनों रीडिंग नोट डाउन करना हो तो वहाँ पे किया जाता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लेवलिंग, इंस्ट्रूमेंट फॉर लेवलिंग। अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, लेवलिंग अगर प्रैक्टिकल करना है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इंस्ट्रूमेंट हम देख लेते हैं। पहला नंबर तो लेवल, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर लेवलिंग, लेवल और लेवलिंग स्टाफ होता है, ठीक है, लेवलिंग स्टाफ। लेवल एंड टाइप ऑफ लेवल मैं अभी आपको मैं बता देता हूँ। लेवल द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फर्निश हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट फॉर ऑब्जर्विंग स्टाफ रीडिंग एंड डिटरमाइनिंग RL, RL डिटरमाइन करने के लिए जो स्टाफ की रीडिंग ऑब्जर्व की जाती है वो लाइन ऑफ साइट होती है, ठीक है। टाइप्स में देखा जाए तो डंपी लेवल होता है, टिल्टिंग लेवल होता है, वाई लेवल होता है और ऑटोमेटिक लेवल होता है। ये डंपी लेवल, ये अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल, वाई लेवल, ऑटोमेटिक लेवल, ठीक है। अपी लेवल थोड़ा सा देख लेते हैं कि देख लीजिए डंपी लेवल कैसा होता है उसके बारे में देख लें। द डंपी लेवल इज ए सिंपल कम्पैक्ट एंड सूटेबल स्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टेबल होता है, कम्पैक्ट होता है और सिंपल होता है। द टेलीस्कोप इज रिजिडली फिक्स टू इट्स सपोर्ट हैंस इट कैन नॉट बी रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसको रोटेट नहीं कर सकते, इस तरह से फिक्स करने के लिए सपोर्ट होता है, ठीक है। टिल्टिंग लेवल और इसका इंस्ट्रूमेंट इस तरह से देख सकते हैं, ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है और भी ये मॉडिफाई करके डिफरेंट हो गए हैं तो इसके भी फिगर आप गूगल पे जाके सर्च मार के देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ए IOP लेवल, जिसको इंडियन ऑफिस पैटर्न बोला जाता है, IOP इंडियन ऑफिस पैटर्न, इसको टिल्टिंग को इस नाम से भी जाना जाता है, IOP लेवल, इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल। इन दिस लेवल द टेलीस्कोप टिल्ट्स अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैंस इट इज कॉल्ड टिल्टिंग लेवल, इसको टिल्ट किया जा सकता है इसलिए इसको नाम टिल्टिंग लेवल रखा गया है। वाई लेवल क्या होता है कि वाई लेवल द इसेंशियल डिफरेंट बिटवीन वाई लेवल एंड अदर लेवल इज दैट इन वाई लेवल द टेलीस्कोपिंग इज कैरिड बाई टू वर्टिकल वाई सपोर्ट, वो वर्टिकल वाई सपोर्ट होता है। द टेलीस्कोप कैन बी रोटेट मूव और इवन रेज इन वाई, रेज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक लेवल देख सकते हैं, ऑटोमेटिक लेवल मतलब ऑटो लेवल भी बोलते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज ए सेल्फ अलाइंग लेवल, सेल्फ अलाइंग कर सकते हैं। इट इज ए रिसेंट डेवलपमेंट, ये रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ऑटो लेवल एंड अदर लेवल इज दैट द लेवलिंग इज नॉट मैनुअली बट इट इज लेवल ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली लेवल हो सकता है। इट इज अचीव बाय इंक्लिनेशन कंपनसेटिंग डिवाइस, कंपनसेटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे इसके लाइन ऑफ साइटिंग किया जाता है। फिर लेवलिंग स्टाफ देख सकते हैं, लेवलिंग स्टाफ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेवलिंग स्टाफ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं तो देख लेते हैं।
और लेवलिंग स्टाफ वाला जो पॉइंट है वो आगे देख लेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, और देखते रहिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।